कैसे उस चीजों को हम अपनी जीवन में हम लागू कर सकते हैं, उस बातों को लेकर हम लोग सीख रहे हैं। मैं जानता हूं आप में बहुत सारे लोग हैं इस अध्ययन में हमारे साथ पिछले दिनों में शामिल थे, और हमारी विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा आप बहुत आशीष पाए हैं। और मेरे मानना है या मेरे विश्वास है वो ये है, जैसे इस अध्ययन के बाद हमारी नजरिया बदल जाती है, जब बाइबल खोलकर हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, और मेरी विश्वास है जो हमारे दिमाग में अलग तरीके की प्रश्न या उस वचन को समझने की उस तरीका वो बदल जाते हैं। उससे इससे पहले हम लोग वचन की जो हर एक पेजेस हम लोग पढ़ते जाते थे, परंतु मेरी प्रार्थना है इसके बाद हम रुककर ध्यान पूर्वक उस वचन को पढ़ने से बढ़कर हम अध्ययन करना शुरू करेंगे, उस वचन की गहराई में जाकर सचमुच में परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, और जो लेखक ने क्या लिख रहा है, उनकी परिस्थिति क्या था, और लोगों के लिए क्या बताना चाह रहे थे, उन सब बातों के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। जैसे सर ने हमको पढ़ाया है पिछले दिनों में, जब हम परमेश्वर के वचन को और उसकी पृष्ठभूमि के साथ या उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ हम समझने लग जाते हैं, और उस वचन को हम अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपने जीवन में हम उस उन सारे वचनों को हम लोग लागू कर सकते हैं। तो आज हम फिर से उस इस अध्ययन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारी मन में जो प्रश्न है जब इस वचन को अध्ययन करते हैं, या परमेश्वर को वचन को कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है, कैसे उसको अपने जीवन के लिए अनुवाद करना है, उसके बारे में जब हम सीख रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके पास होगा, और हम जानते हैं आप में बहुत सारे लोग आपके प्रश्न को हमारे पास भेज दिए हैं, और हम आपको उत्साहित करते हैं जो जूम में जो चैट ऑप्शन है उसमें यदि आप प्रश्न डालेंगे जब पढ़ाते वक्त, उस उत्तर करना कभी कठिन हो जाता है, तो इसलिए हम आपसे उत्साहित करते हैं जो दिए हुए नंबर है जो स्क्रीन में है, आप स्क्रीन में प्रश्न को व्हाट्सएप भेज सकते हैं। नाइन जो नंबर आपके पास है 9001292929, उस वचन उस नंबर के द्वारा आपके प्रश्न को भेज सकते हैं, ताकि हम उन सारे क्वेश्चंस को सर के सामने हम लोग प्रश्न कर सकें, और उसमें से हम लोग आपके जो प्रश्न है उसकी आंसर्स आपको मिल सकें। और इससे अलावा हम जानते हैं आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, इसीलिए कल शाम को 7:30 बजे से हम लोग फिर से ओपन फोरम के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे इसी जूम के माध्यम से, यही समय में हम लोग आएंगे, जिसमें आपके प्रश्न को सर के सामने आप पूछ सकते हैं। जो भी हम लोग ने बाइबल कैसे अनुवाद करें उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, या इसके अलावा, और वो हमारे लिए उन सारे प्रश्न को उत्तर जरूर देंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, और इस परमेश्वर के दास के लिए डॉक्टर जेकब जो हमारे टीचर रहा जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे। हम इनके द्वारा बहुत कुछ बातों को हम लोग सीख सकते थे, और इनकी जो टीचिंग है केवल ये हमारे लिए नहीं परंतु देश की बहुत सारे लोग और अलग अलग देशों के लोगों के लिए एक बहुत बड़े आशीष का कारण है, क्योंकि जब ये परमेश्वर इनको ये अभिषेक दिया है जो वचन को बेहतर तरीके से कैसे समझा सके लोगों को। जैसे पिछले दिनों में जो आपने जो टीचिंग्स देखा है, बिल्कुल सामान्य रूप से साधारण रूप से वो परमेश्वर के वचन को समझाते हैं, और जो समझाने के कारण यही था ताकि आप और मैं एक शिष्य बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन जाए। केवल अपने दिमाग में या अपने मन में ज्ञान को या बहुत बड़े वचन के ज्ञानी बनने के लिए नहीं, परंतु एक अच्छा चेला बनने के लिए, एक अच्छे शिष्य बनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बेहतर विश्वासी बनने के लिए। जब हम इस अध्ययन में एक साथ शामिल हैं, आइए मिलकर हम लोग आज के अध्ययन में हम जाएंगे। इससे पहले हम अपने सिर झुकाएं और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु आपके अनुग्रह हमारे ऊपर रहे, आपका अभिषेक हमारे ऊपर रहे, ताकि जो भी बातों को आज हम सीखते हैं वो हमारे जीवन की उन्नति के लिए कारण होने पाए। आइए अपने सिर झुकाएं और हम लोग प्रार्थना में जाएं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपने ये समय दिया ताकि हम मिलकर आज इस जगह पर हम लोग एकत्रित हो सकें। हो सकता है हम अपने घर पर हैं, हो सकता है हम अलग अलग जगह पर हैं, अपने काम के बीच में है, यात्रा में है, परंतु परमेश्वर आपने ये सौभाग्य दी है ताकि हम एक मन होकर इस जगह पर हम बातों को सीख सकें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहें, आप हमको सहायता करें ताकि हम जो भी आज हम सीखते हैं
उसको हम अपने जीवन में अभ्यास करने वाले बन जाएं खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को बेहतर तरीके से हम समझ सकें, उसका हमारे जीवन के लिए बेहतर तरीके से हम अनुवाद कर सके खुदा, और परमेश्वर इस आशीष के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाएं खुदा। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपके दास के लिए प्रभु, आपके विशेष अभिषेक उनके ऊपर होने पाए और हमारे साथ आपकी उपस्थितियां हैं ताकि हम मिलकर इस बात को बेहतर सीख सके। परमेश्वर हर प्रकार की टेक्निकल चीजों को आपका हाथ में लेकर आते हैं, हर प्रकार की चुनौती को आपके सामने रखते हैं खुदावन। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपको अपने सामर्थ्य में होकर हमारे बीच में एक अद्भुत काम करें ताकि आपकी महिमा के लिए हम अपने विश्वास में बढ़ते जा सके खुदा। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रिय हमने कल देखा, हमने जल्दी जल्दी में काफी कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ कुछ पद देखे जो उसके संदर्भ में पढ़ने लगे। तो हमने क्या पाया, सबसे पहले ये कहानी जो है उत्पत्ति के 24 में हम पाते हैं। ये कहानी में हम में से कभी कई बार, मैंने भी एक समय ऐसा सोचा शायद इस कहानी में एक रहस्य छुपी हुई है, त्रिएक परमेश्वर का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। बट बहुत प्रॉब्लमेटिक, कल मैंने आपको समझाया, जो लोग ने यदि कुछ मिस किया है आपने एक या दो या तीन, तो आपके YouTube वीडियो में तो सब आप फिर से देख सकते हैं। अच्छा, फिर से मैं कुछ बाद में जब हम एक 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 बात के बारे में हम जब विवाद करेंगे उस समय फिर से मैं इस कहानी के बारे में कहूंगा। दूसरी बात, फिलिप्पियों 4:13, मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह में, तो उसमें क्या लिखा है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, उसके बारे में लिखा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर व्यवस्था विवरण 22:5 में हम सोचते हैं शायद पैंट के बारे में, पैंट नहीं पहन सकते स्त्री लोग, नहीं उस समय मनुष्य भी पुरुष भी पैंट नहीं पहनते थे, तो पतलून के बारे में नहीं है। ये लिंगों के बीच में भेद, महिला पुरुष के बीच में जो भेद रखना है उसको रखने जारी रखने के लिए ये लिखा गया। अच्छा, फिर यूहन्ना 10:10 में वो चोर के बारे में लिखा है, तो हम कई बार सोचते हैं शायद शैतान के बारे में। मैं नहीं कहता हूं कि शैतान चोर नहीं है, परंतु उस संदर्भ में यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जो बुरे अगुए हैं, जो बुरे चरवाह हैं, इज़ीकियल के यजीकियल के 34 में जो लिखा है बुरे चरवाह के बारे में, उसी तरह से बुरे चरवाह यीशु मसीह के समय में है, और यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाह तो मैं हूं। अच्छा, हाँ, मत्ती 18:20 के बारे में, जहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हूं, यदि आप उसके संदर्भ में पढ़ें तो ये कोई प्रार्थना की मीटिंग नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सी मीटिंग है भैया, ये कोई विश्वासी जो गलत रास्ते में जा रहा है उसको समझाने के लिए, उसको अनुशोषित करने के लिए ये मीटिंग है। उस समय यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये गलत है कि हमें ऐसे हम प्रार्थना में कहते हैं दो या तीन, नहीं गलत नहीं है, परंतु जो हम इसका ये जो यो पद का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब वो नहीं है कि हम प्रार्थना के मीटिंग में, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास ये पद हो या ना हो तो हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे साथ। फिर मत्ती 6:23, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, कोई लोग कहते हैं हमको बड़ा सा बड़ी महंगी कार भी प्रभु दे देगा, हो सकता है कुछ लोगों को मिले, बट यहां पर यदि आप संदर्भ में पढ़े सिर्फ दो बातें के बारे में लिखी, कपड़े और खाना, खाना मिलेगा खाने के लिए और कपड़े पहनने के लिए मिल जाएंगे, घर के बारे में भी नहीं लिखा, रोटी कपड़ा मकान, मकान के बारे में गारंटी नहीं है। कई बार प्रभु के कई लोग हैं जो उनकी सेवा की है, उनके पास खुद का मकान नहीं है और इस दुनिया से वो निकल गए, ठीक है ना। तो परमेश्वर यदि आपके पास खुद का मकान है तो आप धन्यवाद दिए प्रभु को। अच्छा, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है कि तुम कलीसियों, तुम क्या परमेश्वर के मंदिर हो। कई बार हमने सोचा है, मैंने भी सोचा है, बहुत सारी जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं ना, मैंने उसको गलत रीति से समझा था, अब समझ में आया तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो घबराइए ना। आप में से कुछ लोग को खराब लगा होगा, अरे भैया मैंने क्या क्या सोचा, ठीक है, हम सब एक हम शिष्य है, शिष्य का मतलब जो सीख रहा है, ठीक है ना। यदि पास्टर लोग यदि कोई मेरे साथ हैं अभी, याद रखना हम पास्टर लोग भी सीख रहे हैं, हमने सब पूरा नहीं सीखा, मैं रोज सीखता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज सुनता हूं, ठीक है ना। तो हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु हमको सिखा रहा है। तो यहां पर 3 अध्याय में हमारे शरीर के बारे में नहीं लिखा है,
परमेश्वर के मंदिर कलीसिया के बारे में, और अगुओं को वो वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, संभल के रहना, तुम कलीसिया को कैसे बना रहे हो, क्योंकि हमको एक दिन हमारे परमेश्वर के सामने हमको हमको देना पड़ेगा, लेख देना पड़ेगा कि हमने क्या किया, ठीक है ना। अच्छा, यीशु मसीह कई बार, जैसे हम भी यूज इस्तेमाल करते हैं, अतिशयोक्ति या हाइपरबोली, जैसे कहते हैं ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना, कहने का मतलब जो व्यक्ति जो दौलत पर भरोसा करते परमेश्वर पे नहीं, तो कैसे भैया परमेश्वर के राज में जाएगा, क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा करते हैं ना, क्योंकि उनके पास दौलत है, धन है, ठीक है। फिर हमने देखा कि नीति वचन 22 के 28 में कई बार हमने सोचा शायद ये जो पत्थर है ये हमारे परंपरा को सपोर्ट करती है, नहीं नहीं, ये तो जमीन, किसी दूसरे की जमीन को ना चुराने, मैंने आपको दिखाया 23 के 10 में कैसे लिखा है, अनाथों के खेत में मत जाना, मतलब वो अनाथ है तो आप सोचते हैं उनके पिताजी नहीं है तो आप उनका जमीन ले लेंगे, नहीं नहीं, परमेश्वर हमसे मुकदमा करेगा। अच्छा, फिर ये जो कहानी हम सब जानते हैं कि एक विधवा ने आके दो दमड़ी दिए, परंतु उसको पूरे उसके संदर्भ में पढ़ते हैं 38 से जब पढ़ते हैं तो देखें शास्त्री लोग क्या करते हैं, गरीब विधवाओं के घर उगल जाते हैं। अरे ऐसा कैसे घर कैसे उगलते हैं, वो गलत वेश रास्ते से ले जाके उनके जो गरीब लोग के पास उनका भी ले लेते हैं, ऐसे शास्त्री लोग के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। और उस कहानी के बाद एक विधवा अपने बिचारी उसकी इस परिस्थिति देखो, कुछ नहीं है उसके पास, इसराइल देश में ऐसी इस विधवा की इस परिस्थिति क्यों है, क्योंकि शास्त्री लोग ने अपना काम नहीं किया है और जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी अपना काम नहीं किया ठीक से, इसलिए इस विधवा की ये परिस्थिति है। तो सिर्फ बहुत से देना, जो हमारे हाथ पाथ में देना, वो ये कहानी से यदि उसके संदर्भ में देखो तो अलग ही एक चित्र हमारे सामने प्रकट होती है। अच्छा, फिर श्रेष्ठ गीत 2:1 में वहां शारोन का गुलाब, कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, परंतु आप अपनी बाइबल में देखिए, बाइबल के अनुवाद करने वालों ने हमारी सहायता के लिए कई बार लिखा है ये पुरुष ने लिखा है, ये वर और वधु अलग अलग जो बोलते जा रहे हैं, वो एक गाना एक दूसरे से गा रहे हैं, तो यहाँ पर वधु है जो ये कहती है, परंतु वर कहते हैं नहीं नहीं तू तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, ठीक है ना। अच्छा, यीशु मसीह ने जब अपने माँ से कहा हे महिला, वो हिंदी का अनुवाद है, वो यीशु मसीह ने हिंदी में बात नहीं किया ना तो यूनानी में किया, और जो यूहन्ना में लिखा यूनानी भाषा में लिखी, तो यूनानी में जो शब्द है वो सम्मानजनक शब्द है, परंतु अनुवाद के ये जो मैं बताया आपको पहले, बहुत कठिन काम है, आपके बाइबल जो आपके हाथ में आप हिंदी में पढ़ रहे हैं याद रखना ये सालों 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 लगे इसको काम, मतलब अनुवाद करने वाले बहुत सारे लोग ने, उनका नाम आपको नहीं मालूम, उन्होंने जो मेहनत करके आपके हाथ में अलग अलग भाषाओं में दिए गई है, तो याद रखना ये सब मुश्किल कभी कभी हमारे बाइबल के अनुवाद में आते हैं। अच्छा, तो हमने पहले सेब देखे है ना, एक बाइबल पद उसको उसके संदर्भ में, अब दूसरी बात सिर्फ उसके आसपास के पद को नहीं पढ़ना, परंतु हमको थोड़ा सा थोड़ी मेहनत करना है कि ये जो पद है इसके दूसरे ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कल्चरल कवरिंग कहाँ है क्या है, उससे भी हमारी समझ और बढ़ेगी। जैसे कि हमने कल देखा यूहन्ना 15:1 यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्चा दाखलता हूं, सच्ची दाखलता हूं, दाखलता क्या है हमने देखा भजन संहिता 80 यशायाह 5 में, दाखलता इसराइल को दिखाती थी, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच्चा इसराइल हूं और तुम मुझसे जुड़ जाओ तो सच्ची इसराइल मैं ही हूं और कोई नहीं है, यीशु मसीह से नहीं जोड़ने तो हम इसराइल के लोग नहीं बन जाते, प्रभु के लोग। तो ये बात समझने के लिए हमको थोड़ी सी सांस्कृतिक रूप से हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, कल हम यहां रुके थे जो ये दृष्टांत हम सब जानते हैं, हम कई बार कहते हैं इसकी अच्छे सामरी या दयालु सामरी, ठीक है, परंतु जब उसके संदर्भ में हम देखा 9वें अध्याय में तो हम क्या पाते हैं कि ये यहूदी लोग जो हैं सामरी लोग को तुच्छ जानते हैं, गाली में उनका नाम इस्तेमाल कर, अरे तू तो सामरी है। मैं भी जब जबलपुर में मेरा जन्म हुआ वहां पर कई बार
मैंने कई बार लोगों को जब झगड़ा करते समय सुना, अरे तू तो और एक समुदाय के लोग का नाम ले लेते हैं, क्योंकि हम कुछ लोगों को नीचा समझते हैं हमारे संस्कार में, हमारे भारतीय संस्कार में, संस्कृति में। उसी तरह से यहूदी लोग जब सामरी के बारे में कहते तो सामरी उनके दुश्मन थे, यदि उनको खत्म कर दिया जाए तो खत्म वो बेहतर रहता। इसीलिए तो यीशु मसीह के खुद के जो शिष्य थे 9वें अध्याय में एक पूरे सामरी गांव को खत्म करना चाहते हैं। जरा सोचिए आप, प्रचार करने वाले हैं, चंगा करने वाले हैं, उनकी बड़ी मिनिस्ट्री है, परंतु दिल में कुछ प्रभु के लोगों, सामरी लोगों के विरुद्ध क्या है? दुश्मनी, घृणा। बचपन से वो घृणा आई है, जैसे कि हम लोग को भी हमारे दादा लोग ने और दादी लोग ने कुछ कुछ बातें बताई, हमको भी दूसरे कुछ समुदाय के लोगों के बारे में हम उनको नीच समझते हैं। और हो सकता है हम में से कुछ लोग को दूसरे समुदाय के लोग नीच समझते हैं। तो प्रभु इस दृष्टांत से क्या सिखा रहा है? जो लोग तुम उनको खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे दुश्मन देखते हो, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी जान को बचा ली भैया, अब दुश्मन कौन बन रह गया? तो हमको इससे समझना है कि प्रभु चाहता है हमको कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कुछ हमको मिल जाए उसके लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का सबूत है, परमेश्वर को दिखाने के लिए आए, परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा है, यदि हम इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमको हमारे दुश्मन से भी प्रेम करना है। कल हम यहां पर स्टॉप किए थे, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पिछले समय हमने ये व्यवस्था विवरण 22 के 9 से 11 कुछ अनोखे नियमों के बारे में पढ़ा। तीन अनोखे नियम, कपड़े में मिलावट ना होना चाहिए, जब आप अंगूर जब आप बोते हैं आपके उसमें तो उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, दो प्रकार के अंगूर के बीज नहीं होना चाहिए, और जब हल जोतते हैं दो प्रकार के जानवर नहीं डालना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? याद रखना हम क्या देख रहे हैं अभी, केला कैसे, मतलब सांस्कृतिक ओढ़ना हमको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसलिए जल्दी से आप खोलें आपके बाइबल को न्यायियों की पुस्तक 2:13 में हम पढ़ते हैं, और पुराने नियम में कई बार हम ये बातें हम आप पाएंगे। न्यायियों 2:13 में लिखा, वे यहोवा को त्याग कर, ये इज़राइल के लोग यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। तो जब वो कनान देश में गए, कनान देश के वासी, उनके पास बहुत सारे देवताओं थे, वो देवताओं को एक जनरल नाम था बाल। बाल का मतलब हो सकता है तुम्हारा जो हमारे जो हस्बैंड हैं पति हैं, बाल का मतलब मास्टर भी हो सकता है, ठीक है? तो मतलब तुम्हारे गुरुजी या बड़े हैं, तुम्हारे मास्टर हैं। अच्छा, तो बाल देवताओं के साथ उनके देवियां भी आती थी, उनका नाम था अश्तोरेत या अश्शरा, आप पढ़ेंगे ऐसे पुराने नियम में। तो उनके विश्वास में यह था, यदि ये बाल देवता और अश्तोरेत देवियों की हमको आशीष मिलनी है, यही तो पूरे क्या हम क्या कहते हैं उनके क्या थे, प्रजनन संस्कार थे, फर्टिलिटी राइट्स। कहने का मतलब आपको ज्यादा उपज चाहिए आपके जमीन से, तो आप बाल देवता अश्तोरेत देवताओं की आशीष आपको जरूरत है। कैसे करोगे? दो अलग प्रकार के जानवर को मिलाकर जोतो, क्या दिखाने के लिए, बाल और अश्तोरेत, दो अलग प्रकार के सुई धागा से कपड़ा बनाओ और अपनी पत्नी को पहना दो तो वो बहुत बच्चे जनेगी। ये उनके विश्वास थे, किनके, कनान वासियों के। और परमेश्वर कहता है अपने लोगों से, तुम मुझ पर भरोसा करो,
तुम कनान वासियों के ये जो संस्कार है उसको मत पालन करो। आप समझ में आया? ठीक है ना। तो कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमको ये सोचना है उनके मन में क्या थी, क्यों उनको ऐसा कहा गया, उनके रीति रिवाज में। याद रखना है बहुत पहले चले जा रही है, ये 3000 साल से पहले समय का है, तो उनके लिए क्या हुआ। उसी तरह से ये जो बात कुछ कुछ चीज खाने की चीज वहां लिखा है कि नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? अरे यदि एक जानवर खा सकते हैं तो ये दूसरा जानवर भी परमेश्वर ने तो बनाया है ना, तो ऐसा क्यों कि कुछ जानवरों को खाने का मना था। सब चीज हमको सब मालूम नहीं है, परंतु ये बात हमको जानना चाहिए कि उस समय में उसके उस स्थान में कुछ जानवरों को यदि आप उनको ठीक से उसको कुकिंग नहीं करोगे, आप बनाओगे नहीं खाने के लिए, तो हो सकता है उसमें कुछ कीटाणु या कुछ बीमारी भी हमारे जीवन में आ सकती है। तो सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने लोगों से कहा कुछ कुछ चीज मत खाना। उस समय प्रेशर कुकर नहीं था जैसे हमारे टाइम भी है, आप कुछ भी बना सकते हैं, अच्छे से उसको बना सकते हैं, कुक कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात थी, कनान वासियों के बीच में कई बार उनके जो देवी देवताओं की जब पूजा करते थे वो, तो जानवर को बलि चढ़ाते थे, और उनके बीच में ये जो जानवर देख रहे हैं आप सुअर, वो सबसे ज्यादा उनके बीच में इस्तेमाल किया जाता था। ये जानवर उनके देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाए जाते थे। तो इस कारण भी परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुम ये जानवर रखो ही नहीं इसके तुम्हारे पास, क्योंकि रखोगे ना तो बोलेंगे खाने के लिए रखा, परंतु तुम क्या करोगे, वो बाल देवता के पास जाके तुम उसको बलि चढ़ाओगे, तो उससे दूर रखो। तो कई ऐसे उस जमाने के माहौल में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये जो बातें हैं अब हम पर लागू नहीं हो सकती क्योंकि हम कनान देश में तो नहीं है, और ये जो बीमारी आने की नौबत थी वो सब चीज जरूरी नहीं है कि, परंतु यदि कोई मसीह है जो कुछ चीज नहीं खाना चाहते, फाइन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमको समझने की जरूरत है, ये क्यों परमेश्वर ने ऐसी बातें कही। अच्छा, तो हमने केला क्या हुआ, मतलब बाइबल जब पढ़ते हैं तो उसके आसपास के पद पढ़ना। दूसरी बात हमने, जैसे केले को छिलका करना है वैसे क्या करना है हमको, सांस्कृतिक ओढ़न जो है उसको हमको देखना है, उसको निकालना है। अब तीसरा स्तर संदर्भ का, कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो कुछ चीज जो वहां पर जो ओरिजिनल जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आती है, पर तो हमको नहीं समझ में आती, तो थोड़ा सा हमको थोड़ी सहायता की जरूरत है। कोई बाइबल का विशेषज्ञ, कई बार हमारे कुछ कुछ बाइबल है उनमें स्टडी नोट्स होता है, या एक बाइबल टीका होता है, और मैं भूल गया आपको बताने के लिए, मैं कल बताऊंगा, एक हिंदी में एक बहुत ही बढ़िया बाइबल टीका निकली है, तो आपको आप उसको खरीद सकते हैं और उसको उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2000 पन्ने का एक बड़ा टीका है पूरे बाइबल के ऊपर, तो आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो कई बार हमको कुछ चीज समझने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है, हेल्प पड़ जाती है, या एक जैसे कि आप नारियल को खोलेंगे अपने हाथ से थोड़ी खोलते हैं, कुछ उपकरण कोई औजार की जरूरत पड़ जाती है। उसी तरह से कई बार हमको थोड़ा संदर्भ को समझने के लिए हमको एक थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ जाती है। तो ये आइए हम ये वाले पद को देखें, यूहन्ना के 10:22 में क्या लिखा है, यूहन्ना के 10:22 में वहां लिखा है यरूशलेम में स्थापन पर्व आया, अंग्रेजी में फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन। अच्छा, ये क्या स्थापन पर्व है? बाइबल में कहीं भी पुराने नियम में कहीं स्थापन पर्व के बारे में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ये जो पर्व मनाया गया यीशु मसीह के करीब करीब 200 साल पहले, 164 ईसा पूर्व समय, एक बहुत ही
भयंकर वहां पर युद्ध हुआ इज़राइल में, और इज़राइल लोग ने जो बाहर के लोग उन पर कब्जा किए थे उनके मंदिर पर उनको भगा दिया, तो मंदिर को उन्होंने शुद्ध किया और मंदिर के एक पुनः उसका समर्पण किया, ठीक है ना। यीशु मसीह जब आते हैं करीब करीब 200 साल बाद, उस समय ये क्या क्या मना रहे हैं, कैसे मंदिर को उन्होंने दूसरों लोग से वापस ले लिया, छीन लिया, जो उनसे छीन लिया था उसके वापस लिया मंदिर को, यरूशलेम की मंदिर को, ठीक है ना, और उसका फिर से समर्पण किया, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन, उसको वो मना रहे थे, क्या मंदिर का समर्पण मना रहे थे। अच्छा, अब वो आपको जब समझ में आई ये बात, ये जो स्थापन पर्व है ये मंदिर का समर्पण है। अब मेरे साथ बाइबल खोलिए यूहन्ना 10 पर, यूहन्ना 10, यरूशलेम में स्थापन पर मनाया जा रहा था, 10 के 22 में। अब आप पढ़िए 36 में क्या लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत ने भेजा है, वही समर्पण किया है, जिसको पिता ने समर्पण किया है, तुम मुझसे कहते हो तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां हो रही है, जब आप समझ गए हैं, कहां से समझे ये, बाय द वे ये जो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली कि ये मंदिर का समर्पण 164 ईसा पूर्व समय हुआ, ये आपको बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं, डिक्शनरी है, हो सकता है आप गूगल में भी ढूंढ सकते हैं, ये बात बहुत सिंपल बात है, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन गूगल में ढूंढिए, आपको गूगल में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये यहूदियों के बीच में आज भी मनाया जाता है दिसंबर में, हमारा क्रिसमस जहां कई लोग बनाते हैं 25 तारीख को, ये 26 ये तारीख या 24 तारीख को उनका ये हनुक्का करके एक पर्व है, हनुक्का करके, ठीक है, तो अभी भी उनके बीच में है ये पर्व है। तो ये मंदिर के समर्पण के बारे में जब कहते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु तुम नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अब से मैं मंदिर हूं, क्योंकि मुझे पिता ने समर्पण किया है। अब समझ गए, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में अरे दूसरे अध्याय से ही यीशु मसीह ये संकेत दे रहे हैं कि क्या, कि मैं ही मंदिर हूं। कहां 2:19 में क्या लिखा है, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। देखा, तो जो बात पहले से बोल, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं योना के उस सुसमाचार में 15 में कह रहे हैं, 15 आयत में कि मैं इज़राइल हूं, 10वीं आयत में कह रहे हैं, दूसरी आयत से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं ही मंदिर हूं। कहने का मतलब परमेश्वर पिता इस नए युग में यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर के पास हमको जाना है, तो मंदिर यीशु मसीह है, और हम बिकॉज क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, तो जब हम इकट्ठा होते हैं, 1 कुरिन्थियों 3:16-17, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया, अब समझ में आ रही है आपको। तो जब हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह इज़राइल है, तो हम यीशु मसीह में, और अब सिर्फ यहूदी एक समुदाय के लोग नहीं, दुनिया के कोई नाना प्रकार के लोग, सब जगह सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके हम सब मिलकर एक परमेश्वर के मंदिर बनते हैं। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है, आइए हम आगे बढ़े। अब हम प्रकाशित वाक्य में हम जाते हैं। प्रकाशित वाक्य समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक है वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की पुस्तक है। इसको कहते हैं यूनानी भाषा में अपोकैलिप्टिक भाषा, अपोकैलिप्टिक शैली में लिखी गई है। ये एक मान लीजिए खेल है,
जिसके जो नियम हमको अलग से सीखना पड़ेगा। अपोकैलिप्टिक में कई बार मैंने पहले भी बोला था, अपोकैलिप्टिक में जो 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 संख्या है और बातें हैं, जो चित्र हैं, वो सब को हमको शाब्दिक रूप से नहीं लेना है, क्योंकि जैसे कि लिखा है कि दुल्हन के बारे में लिखा है, मेमने की दुल्हन, तो क्या कोई एक स्त्री रहेगी जो मेमने की दुल्हन? नहीं, हम जानते हैं ये एक बोलने का ढंग है, किसको? परमेश्वर के सब लोग मिलकर, हम परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के जैसे हैं। तो बहुत सारी बातें जब आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं, एकदम नहीं कही अरे ये अभी हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी गलती। याद रखना संदर्भ, ये पहली शताब्दी में के आखिरी में लिखी गई एक पुस्तक है, और ये पुस्तक यहूदी लोग के बीच में इस तरह के शैली के पुस्तक बहुत ही कॉमन थी, सब लोग जानते थे। नाउ ये पुस्तक हमको नहीं समझ में आती, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, हम पहली शताब्दी में नहीं रहते हैं, तो हमको कुछ थोड़ा सा समझाने की जरूरत। ये एक नारियल जैसा है, ठीक है, थोड़ी हमको पढ़ने की, हमको सहूलियत के लिए हमको मदद चाहिए। तो यहां पर इस पुस्तक में जो भी आप देखेंगे चित्र, सब चित्र, मतलब उस वैसे के वैसे नहीं, वहां लिखा यीशु मसीह के मुंह से एक एक तलवार निकल रही है, तो यीशु मसीह के मुंह तलवार लेके घूमते हैं क्या? नहीं, वो कहने का मतलब वो एक चित्र के रूप में रूपक है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, यहाँ की जो संख्याएं हैं वो सब संख्याएं कुछ चीज को संकेतित करती है। तो इस पुस्तक में चार पूरी धरती को दिखाते हैं, हम कहते हैं ना चारों कोना, हाँ उसी तरह से। तो कई बार हम कहते हैं जल्दी जल्दी, तो क्या करते हैं हम डबल करते हैं, दो बार कहते हैं, उसी तरह से कई बार तो कुछ चीज को एम्फसाइज करने, उसको जोर देने के लिए वो चार के साथ चार, चार इंटू चार 16 हो गया, 16 के साथ 100 तो 1600। अंग्रेजी बाइबल में 1600 स्टेडिया लिखा है, परंतु हिंदी बाइबल में ये 1600 स्टेडिया करीब करीब 300 किलोमीटर होता है, उसका अंदाजा लगा के 100 कोस आपके हिंदी में लिखा है, तो उससे आपको ये नंबर की समझ नहीं आता थी, ये एक लिमिटेशन है हिंदी बाइबल का। परंतु उसका मतलब क्या है? ये जो खून बह रहा है, घोड़ों के लगाम तक खून बह रहा है, आपको मालूम है ये तो नहीं हो सकते, नामुमकिन है, तो क्या दिखाने के लिए है? तो आप पूरे उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक 14:15-20 तक पढ़ेंगे, तो पता लगेगा ये कहने का मतलब कि एक दिन पूरे संसार में परमेश्वर का न्याय होगा, पूरी पृथ्वी को ढक लेगी। कहने का मतलब परमेश्वर के न्याय किसी को नहीं छोड़ेगा। आजकल के लोग, बहुत सारे लोग गलत करके छूट जाते हैं, पर एक दिन आएगा परमेश्वर का न्याय पूरे संसार को ढक लेगा। वो दिखाने के लिए इस चित्रात्मक क्या रूप में ये कहानी कही गई है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके 666। आप सब लोग रुके हैं ना कि अब समझ में आ जाए ये कौन है, क्रिस्ट विरोधी कौन है, हैं? उसको समझने के लिए पहले, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो शब्द है एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है ना, कहां लिखी गई होगी इसके बारे में? हम कई लोग सोचते हैं कि जो एंटी क्राइस्ट है वो शायद प्रकाशित वाक्य पुस्तक में होगी। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पूरे प्रकाशित वाक में ये शब्द मसीही विरोधी कहीं नहीं है, कहीं नहीं। खैर, कुछ अलग अलग चीज है, बीस्ट लिखा है, पशु लिखा है, ठीक है, मगर एंटी क्राइस्ट कहां लिखा है मालूम? आप देखें मेरे साथ, खोलें पहला योहन्ना 2 और दूसरा योहन्ना 7 में लिखा है। वहां पर जैसे पहला योहन्ना 2:22 में लिखा, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। वहां पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया होगा एंटी क्राइस्ट। तो कौन है एंटी क्राइस्ट? जो गलत शिक्षा देते हैं। अच्छा, वही पहला योहन्ना 4:3 में क्या लिखा है? और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है।
एंटी क्राइस्ट, उस समय पहली शताब्दी में एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट ये नहीं कि अभी कोई आ गया है। और हमने ये जो बहुत बड़ी गलती सालों साल करते आ रहे हैं, और हमारे बीच में अलग अलग प्रचारक लोग ने करीब 100 एंटी क्राइस्ट बताए होंगे, ये एंटी क्राइस्ट है, ओबामा एंटी क्राइस्ट है, रोमन कैथोलिक चर्च के पोप एंटी क्राइस्ट है, सबको हमने एंटी क्राइस्ट बनाया। आज आपको मैं बताऊंगा एंटी क्राइस्ट ये जो लिखा है कौन है, यहां पर एंटी क्राइस्ट का इस्तेमाल किया गया। अब देखें दूसरा योहन्ना जो पत्री है आखिरी में, उसके 7वें आयत में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल गए हैं, सबको एंटी क्राइस्ट कहा गया है, गलत सिखाने वाले जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाले और मसीह विरोधी। देखा आपने ऊपर, यहां पर एंटी क्राइस्ट का यही है। कौन है जो कहते हैं यार यीशु मसीह शरीर में थोड़ी थे, वो अलग शरीर था, वो शरीर में नहीं थे, हमारे जैसे नहीं थे, हम तो शरीर में यीशु में। नहीं, बाइबल क्लियरली सिखाती यीशु मसीह हमारे शरीर में परमेश्वर थे परंतु मनुष्य बने, क्योंकि हम हमारे उद्धार के लिए उनको मनुष्य बनना जरूरी था, इसीलिए तो क्रूस पर वो मर सके। अच्छा, तो कौन है क्रिस्त विरोधी जो यीशु मसीह शरीर पर आए विश्वास नहीं करते? अच्छा, तो हम क्या सुन रहे हैं, ये कौन है? तो उसको समझाने के लिए 666 समझाने के, आपको एक और नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 88 नंबर। अच्छा, जो कुछ लोग हैं यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अपने आप को क्या कहते हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कहते हैं कि हम जो गोरे, जो हम समुदाय के लोग हैं, हम लोग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, हम लोग दूसरे लोग से बेहतर हैं। हमारे इंडिया में भी वो बात है, जो थोड़े गोरे होते हैं उनको हम ऊंचा बेटर ही समझते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसी तरह से ये कहते। तो उनके कहने का मतलब यूरोप में और ऐसे लोग जो हैं उनके मतलब, उनके लिए यूरोप में, अमेरिका में, जो दूसरे जो लोग हैं जो यूरोपियन नहीं है, वो हमसे कम है, उनके बीच में। देखो, ये व्यक्ति ने अपने सिर में ये टैटू करके रख दिया है, नंबर 88 भी है, 14 भी है। 14 क्या है, उनके एक गुरु ने कुछ एक वाक्य लिखा, उसमें 14 शब्द थे, तो उसका 14 हुआ, फिर 88 क्यों? यू नो, क्योंकि अंग्रेजी में 8 जो अक्षर है, ABCDEFGH, 8वां अक्षर है। आपको इसको समझना जरूरी है, जब भी आप 666 भी समझेंगे, जब मैं हिब्रू में दिखाऊंगा। तो 8 और 8 मतलब HH, किसको दिखाने के लिए? हिटलर को दिखाने के लिए, क्योंकि उनके लिए हिटलर उनके एक गुरु थे। हिटलर ने कहा कि जो व्हाइट रेस है, सफेद जो जाति है, वो सबसे आगे है। तो 88 हिटलर को दिखाता है आज कुछ लोगों के बीच में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप प्रकाशित वाक पढ़ते हैं तो याद रखिए, ये प्रकाशित वाक कब लिखी गई? पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में शायद कुछ लोग कहते हैं करीब 60 ईशु पूर्व 60 में होगा, कुछ लोग समझते, मैं समझता हूं शायद 90 के बाद। अच्छा, उस समय हिटलर कौन था? उस समय का हिटलर ये व्यक्ति था। कौन? जो रोमी सम्राट नीरो। अच्छा, अभी हिटलर तो अभी है नहीं, मर गया, फिर भी हम लोग कहते हैं हिटलर है। यदि हम स्कूल में थे तो कोई टीचर हमको पसंद नहीं आया तो उसको हम हिटलर कहते थे, है कि नहीं? हिटलर नाम एक जिसको हम बहुत ही घृणा से देखते हैं। उस समय के समय नेरोन कैसर, जो नीरो जो कैसर था, इब्रानी भाषा। अब देखो, खेल नंबर का खेल देखो, मैं आपको समझाऊंगा ये इब्रानी भाषा में ये 666 कैसे नीरो कैसर को दिखाता है। याद रखना, ये पुस्तक प्रकाशित वाक्य, बहुत सारे यहूदी लोग जो ये जो खेल खेलने में बहुत माहिर है, क्या खेल? नंबर गेम।
इसको कहते हैं अंग्रेजी में गेमेट्रिया। गेमेट्रिया मतलब नंबर से मीनिंग निकालते हैं वो, जैसे कि हम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 88 उन लोगों के बीच में, और हम हमारे बीच में हम 420 यूज करते हैं, ठीक है ना, या कि उसका मतलब कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूं इसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे नेरोन कैसर, यदि आप इब्रानी भाषा में लिखोगे तो आप देख रहे हैं वहां पर 7 अक्षर देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा ये अक्षर, उसके साथ अंग्रेजी में लिखा है नून रेश वाव नून कुफ समेक रेश, ठीक है। आपको ये दिखाने के लिए इब्रानी जो अक्षर हैं, आप अपने बाइबल को खोलें, हिंदी बाइबल, जी हाँ आपके हिंदी बाइबल में 119 जो भजन संहिता को देखें, 119 भजन संहिता 119 आप वहां ये देखेंगे 119 में कि हरेक 8 जो पद हैं उसके बाद आप एक शब्द को देखेंगे, एक डिवीजन है। तो ये क्या है, जैसे ए बी सी डी हम बोलते हैं ना, तो इब्रानी में ये ए बी सी डी है। इब्रानी में आलेफ बेत गिमेल डालेत हे वाव जाइन खेट टेट योद काफ लमेड मेम नून समक, ये इब्रानी अक्षर है, जैसे हम ए बी सी डी कहते हैं ना उस तरह से। तो वो क्या करते थे, ये अक्षर को नंबर दे देते थे। जैसे आप देख रहे हैं आपके बाइबल में सबसे पहले क्या है, आलेफ, और उसके बाद क्या है, बेत, अंग्रेजी में अल्फाबेट जो हम बोलते हैं वहीं से आ रहे हैं, देखो उसी तरह से यूनानी में अल्फा बीटा अल्फाबेट, ठीक है ना, तो बेत ये 2 हो गया, गिमेल 3 हो गया, दालेत 4 हो गया, हे वाव जाइन खेट टेट योद 10 हो गया, उसके बाद से काफ लमेद 20 30 40 50 100 तक, उसके बाद 200 300। तो यदि आप देखेंगे ये जो अक्षर हैं उसके नेरोन कैसर इब्रानी में लिखकर एक एक अक्षर के जो नंबर आप डालेंगे तो आपको 666 मिल जाएगा। और एक बार सब लोग इसका इस्तेमाल जब करेंगे, सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं, अरे वो रोमी सम्राट के बारे में कह रहा है, कौन है जो कलीसिया के विरोध है, रोमी सम्राट, इस दुनिया के सम्राट। तो पहली सदी में ये था 666। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे समय में कई बार जो जो पावर है जिनके हाथों में है वो कंट्रोल करते हैं और जो मनमानी कर सकते हैं, सही बात है, उस तरह से पशु उस तरह के बीज तो दुनिया में पूरे आते हैं, परंतु याद रखना ये जो बीज है, आज कोई लोग कहते हैं अरे ये देखो कंप्यूटर प्रकाशित वाक में लिखा, नहीं, याद रखना सबसे पहले जो सिद्धांत हमने सीखा क्या, कि जो लिखने वाला उसके मन में क्या है। अच्छा, दूसरी बात, जो पढ़ने वाला, याद रखना ये पुस्तक प्रभु के लोगों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए लिखा, ये नहीं कि उनको हाथों में एक पुस्तक दे दी, भैया हमको पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या है। और कुछ प्रचारक लोग ऐसे प्रचार करते जैसे सिर्फ अभी उनको समझ में आई है, बाकी किसी को समझ में नहीं आई थी, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है। और इसीलिए तो कई अफवाहें, अरे वैक्सीन मत लेना उसमें चिप है, चिप में 666 है, ऐसी बातें, 666 रोमी सम्राट के बारे में, ठीक है। तो मैं यहां पर अब शेयरिंग बंद करता हूं और एक 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेंगे 2 मिनट के लिए, और आप उठेंगे बैठेंगे और फिर से हम बाकी समय इस्तेमाल करेंगे। तो आपको उठकर थोड़ा हाथ पैर चलाने के लिए समय दे रहा हूं मैं 2 मिनट, उसके बाद हमारे भाई लोग कुछ मुझसे प्रश्न पूछेंगे और फिर से मैं उन प्रश्नों का जवाब दूंगा आज के लिए। और हम कल और भी प्रश्न जो हमारे हैं आप प्रश्न भेज रहे हैं और उनका सबका संग्रह करके जितना हो सके हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो आइए हम 2 मिनट के लिए एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मुझे भी ब्रेक मिलेगी, मैं भी खड़ा होऊंगा, आप भी खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर से मिलेंगे 2 मिनट के बाद।
Yes. Praise Lord, sir, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही खूबसूरत सेशंस के लिए जो आप हमारे बीच में ले रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इससे बहुत ज्यादा अनुग्रहित हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और ज्यादा अनुग्रहित होंगे। मेरे सामने एक प्रश्न था सर, और प्रश्न ये है क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं, स्पेशली चाहे आप किसी भी पार्ट इंडिया के किसी भी पार्ट में चले, बहने बहुत से हैं हमारी कलीसिया के अंदर, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो बहनों के बारे में लिखी गई है। उदाहरण के लिए कि बहनें कलीसिया में, स्पेशली मैं इसको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं केरला से, जिसे कहते हैं मेरे माँ बाप केरला से आते हैं, मैं पलाबड़ा जयपुर के अंदर हूँ, हम लोग एक मलयालम चर्च के अंदर मेरा पालन पोषण हुआ, तो हम लोग कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते थे, और हमारे कलीसिया की जो बहनें हैं उनको ऑर्नामेंट्स नहीं पहने दिया जाता था क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि बहनें आभूषण को ना पहने। दूसरा एक सवाल यह है कि जो पुरुषों के वस्त्र है उसको बहनें धारण ना करें। तीसरा, जो बहनों के बारे में लिखा गया है कि बहनें शिक्षा ना दे कलीसिया के अंदर, वो चुप रहें, तो शिक्षा देने का पूरा अधिकार था वो पुरुषों के पास में था, बहनों को किसी भी तरीके से कलीसिया में प्रचार करने का या शिक्षा देने का मौका नहीं दिया जाता था। तीसरा जो उसके बाद जो चौथा परमेश्वर के वचन में कि बहनें हर समय में अपने सर को ढापे या सर को कवर करें। जब हम इन वाक्यों को देखते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को जब हम इसे पढ़ते हैं किस तरीके से हम इसको समझे, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अच्छा, मैं आशीष आपसे एक सवाल पूछूं, तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि कई कलीसिया में सिर ओढ़ना जरूरी है, मतलब पब्लिक समय में, और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो हर समय प्रार्थना में हो या ना हो लोग सिर ढांकते हैं। अच्छा, आपने आप क्या सोचते हैं कि जयपुर में कुछ कलीसिया होंगे जहां पर स्त्री लोग प्रचार करते हैं और वर्शिप करते हैं, लीड करते हैं, प्रचार भी करते हैं? सर, जयपुर में डेफिनेटली कुछ ऐसी कलीसिया हैं, कुछ नहीं बहुत सी कलीसिया है नहीं, आपने भारत में जहां पे बहने जिसे कहते हैं आराधना में अगुवाई करती है, अगुवाई करती है। हमारे असेंबली ऑफ गॉड में राजस्थान में एक बहन है जिनको जो पास्टर है जो प्रचार भी करती है। जी जी, सो तो कहने का मतलब सिर्फ जयपुर में और राजस्थान में नहीं, दुनिया भरों में, और हमारे हम जो डिनोमिनेशन में आते हैं एजी में हजारों की तादाद में बहने हैं जिनको ऑर्डेन किया गया है पास्टर जैसा पूरे संसार में। तो क्या Assemblies of God प्रभु के वचन के विरोध कुछ कर रही है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। अच्छा, थैंक यू आशीष। तो ये समझाने के लिए मैं भाइयों बहनों कुछ समय आप लेना चाहता हूँ आपके लिए और आपके साथ, और मैं फिर से कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये हमने खत्म करा तो हाँ, याद रखना हमने ए बी सी देखा, क्या है क्या है उसका मतलब संदर्भ के बारे में। अब मैं आपको डी से एक फल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये संदर्भ के बारे में नहीं है, ये जब हम परमेश्वर वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे सामने एक समस्या बन जाती है, जैसे कि आशीष भाई ने समस्या जैसे समझाया। सुनिए, गौर से सुनिए, ये जो फल है दुरियान, मैं दुरियान के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत जगह में ये फल नहीं है। मैंने इसलिए इसको लिया है क्योंकि ये अंग्रेजी में डी से चलता है, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ठीक है ना। और ये फल जो है हमारे कटहल के जैसा है, देख रहे हैं आप, थोड़ा बहुत कटहल जैसा है परंतु कटहल नहीं है, हैं? तो अलग है। तो ये जो फल है हमारे ईस्ट में जो मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, फिलीपींस, वो देशों में बहुत मशहूर है, और
और इसके बारे में एक विशेषता है, ये फल के बारे में एक विशेषता है, वो क्या है? जैसे कि आप कटहल पक जाता है तो उसका उसकी सुगंध आती है, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सुगंध नहीं है, बू है, तो उस तरह से दुरियान की एक विशेषता ये है। बाय द वे, दुरियान के बहुत सारे, जैसे हमारे आम है ना, आम के कितने अलग अलग वैरायटी हैं, कितने कितने, और कुछ ऐसे भी आम भी हैं, अभी मैंने सुना अभी मियासो कैसे करके कुछ जापानीज आम है जो एक आम के लिए 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपए भी लोग देने को तैयार है, ऐसे आम है। उफ, तरह सोचिए। उसी तरह से ये जो दुरियान है, कुछ लोग उसको इतना पसंद करते हैं कि वो 50,000 रुपए देने को तैयार है कुछ वैरायटी के लिए, एक दुरियान के लिए 50,000 रुपए। आप जरा सोचे। अच्छा, दूसरी बात ये दुरियान के बारे में एक ये है कि इसकी जो 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 उसके जो स्मेल आता, जो बास आती है, बहुत ही स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है, जैसे आप वो साइन देख रहे हैं ना, ये साइन आपको यदि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, बस में या मेट्रो में या ट्रेन में जाएंगे या कोई होटल में आप जाएंगे, तो आपके साथ वहां पर सिगरेट आप नहीं पी सकते और दुरियान भी नहीं ले जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि दुरियान की जो सुगंध है, जो लोग पसंद करते हैं वो कहेंगे सुगंध, और जो लोग ना पसंद करते हैं तो वो कहेंगे क्या? बू है, ठीक है ना, बदबू। तो दुरियान ने क्या कर दिया है? हमारे बीच में एक डिवाइड कर दिया है, हमारे बीच में, हिंदी में कहूं तो दूर कर दिया हमको एक दूसरे से। तो ये जो बात है, हम शायद बाइबल को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे हमारे बीच में ये परंपरा आ गई है, रीति रिवाज आ गए हैं, तो हमारे बीच में कुछ लोग कहते हैं कि हम बाइबल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम ये करते हैं या हम ये नहीं करते। फिर दूसरी कलीसिया, कई बार हमारे सेम डिनोमिनेशन में, असेंबली ऑफ गॉड में, आप एक असेंबली ऑफ गॉड कितने लोग हैं? 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं विश्वासी पूरे संसार में, ठीक है, हजारों की तादाद में हमारी कलीसियां हैं भारत में। अभी आप एक कलीसिया में जाएंगे तो आप कुछ और देखेंगे, दूसरे कलीसिया सेम डिनोमिनेशन, तो ये क्या बात है? तो हमको ये मानना है कि हमारे बीच में, हम जब बाइबल पढ़ते, बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, तो कई बार सालों से हमने कुछ कुछ सीखा है वो हमारे परंपरा में आ गई है, तो बदलना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो हम बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं जो हमारी परंपरा को सपोर्ट करती है, दूसरे लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं कि हमारी परंपरा में ये चलती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ बातें मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये सिर ओढ़ने के बारे में, ओढ़नी के बारे में स्त्रियों के बीच में मैं बताना चाहता हूं, महिलाओं को आराधना में। अच्छा, याद रखना, आप राजस्थान में बैठे हैं तो आपको मालूम है, और बाकी अलग अलग जगहों में, कुछ हमारे भारतीय संस्कृति समुदाय में कुछ जगहों में स्त्री लोगों को सिर्फ कलीसिया में नहीं, घर में भी उनको घूंघट पहनना पड़ता है, हैं? ससुर के सामने बहू को घूंघट होना चाहिए। तो हमारे कुछ घरों में ऐसा है, सब घरों में नहीं है, सब हमारे भारतीय घरों में नहीं है, तो हमारे अलग अलग समुदाय। अच्छा, तो हमारे घरों में सब बहू लोग घूंघट नहीं पहनते, ठीक है ना। तो कई जगहों में ये बात है। तो आपको आप दो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, एक में एक हमारी, ये सब इंडिया में भारत के चित्र हैं, बहने हैं, पर देखा आपने यहाँ पर तीन बहन लोग हैं, या यहाँ साइड में नीला पहने हैं, उनमें से एक के सिर पर एक ओढ़नी है, दूसरों के सिर पर वो भी बाइबल पकड़े हैं बट उनके सिर पर ओढ़नी नहीं है। कोई रूल नहीं है मतलब उनके चर्च में कि आपको ओढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये कहां से ये आई, तो इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है आप पहला कुरिन्थियों को खोलें। अब मैं आपको बाइबल से और भी सिखाऊंगा, और भी हम बातें देखेंगे। पहला कुरिन्थियों में ये जो
जिस ये जो पैसेज है उसमें ऐसा लिखा है, ठीक है ना। परंतु पहला कुरिन्थियों 11 के 5 में लिखा, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। अच्छा, पौलुस ये कब लिख रहा है? करीब करीब 50 या 55 आधा ईशु पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और कुरिन्थ के 2000 साल पहले उस संस्कृति में, उस ये यूनानी जो समुदाय है उनके बीच में, स्त्री जब भी वो बाहर घर से बाहर आती थी तो उसके सिर में एक प्रकार का ओढ़ना होता, ये जो यूनानी स्त्री, ठीक है ना, यदि वो ना पहने तो वो अपने पति का अपमान करती हो क्योंकि उसको लज्जा जर उस समय के समय में। अभी आशीष, आप यदि शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी बाहर जाती है सड़क पर, यदि उनके सिर पर कोई कपड़ा नहीं है तो कोई उनका अपमान नहीं करेगा। हमारी पहले जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, कई बार वो पब्लिक में बिना सिर ढाके आई थी। बिल्कुल हमारे इंडियन कल्चर में वो भी चलती है। सब कल्चर हमारे, सब दुनिया के हजारों तो संस्कृति है, कुछ संस्कृति में, कुछ इस्लामिक मुस्लिम देश में भी जब स्त्री बाहर आते हैं तो उनको सिर ढकना पड़ता है। तो ये कल्चरल बात उनको दी गई है और पौलुस कहता है उनके कल्चर में कि तुम यदि, क्या हो रहा था कि कुछ स्त्री कह रहे थे कि यीशु मसीह में हम फ्री हो गए, हमको हमारी संस्कृति के जो लिमिटेशन है, जो बाधाएं हम पर लागू नहीं होती, हम फ्री हो गए यीशु मसीह में। तो पौलुस कहता है नहीं, तुम्हारे संस्कृति के अनुसार चलो। और बहुत सारी बातें हैं वो समझाने के लिए 2 घंटा और लग जाएगा है? तो हम देख रहे हैं, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूं, दुनिया दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये चित्र को देखिए। पहले जो आप एक चित्र देखें, ये हमारे चीन देश के विश्वासी हैं, ठीक है, वहां भी एक स्त्री बिल्कुल गंभीर रीति से प्रार्थना कर रही है, उसके सिर पर, और जो भी स्त्री वहां पर है उनके सिर पर कुछ कपड़ा नहीं है। यहां आप देख रहे हैं अफ्रीका देश में कुछ स्त्री हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना में है, उनके सिर पर कुछ नहीं है। कुछ लोग अफ्रीका में, मैं कई बार गया हूं, मेरे माता पिता वहां थे कई साल, तो वहां पर जब मैं जाता हूं कई बार उनके बीच में भी लोग एक पगड़ी जैसे पहनते हैं स्त्री लोग, कई जगह ऐसे कुछ नहीं, उनके सिर पे कुछ नहीं है। तो कोई रूल नहीं है, सब चर्चेस में ऐसा रूल नहीं है। दूसरे आगे ये मैं आपको 2 चित्र दिखा रहा हूं, ये एक ही कलीसिया के 2 मंडलियां के बारे में, कहने का मतलब एक ही कंपाउंड में 2 चर्चेस हैं, एक मलयालम चर्च है और एक अंग्रेजी चर्च है। और इनके जो पासवान है, जो मुख्य पासवान है, जो मलयालम चर्च के पासवान पिताजी और उनका एक बेटा, और दूसरे चर्च में वही पिताजी के एक और बेटा। तो 2 भाई लोग जो पासवान लोग हैं, एक ही जगह पर पास पास आजू बाजू आप क्वायर को देख रहे हैं। एक क्वायर में 6 बहनें हैं, सबके सिर पर एक कपड़ा है। ये जो साइड में क्वायर है इसमें 15 बहनें हैं, उनके किसी के सिर पर कपड़ा नहीं है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझ रहे हैं कि ऐसे समय हम जो हमारे कलीसिया की जो संप्रदाय है या परंपरा है, कई बार हम उसको फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली इस बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर ये चर्च में, अंग्रेजी चर्च में, वो सिर ढांकने का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो मैं तो कैसे कहता हूं कि यदि आपके मैं जो कलीसिया में जाता हूं, उस अंग्रेजी कलीसिया है बेंगलोर में, उस कलीसिया में पास्टर की जो पत्नी है प्रचार करती है, कई बार प्रार्थना करती है, सामने से लीड करती है, अपने सिर पर एक कपड़ा नहीं डालती, ठीक है ना। और परंतु हमारे जो कलीसिया के लोग हैं उनमें से कुछ लोग, कुछ स्त्री
उनको अच्छा लगता है, उनकी जो उनकी प्रैक्टिस है, तो वो अपने सिर को या मान लीजिए स्कार्फ या दुपट्टा लगाते हैं, परंतु कोई रूल नहीं है हमारे चर्च में। कहने का मतलब ये जो पौलुस 2000 साल पहले कितनी बात बदल गई, उनकी परंपरा उनकी संस्कृति में जो बात दी गई है वो पौलुस उनसे कहता है। सब बातें हमारे अलग अलग दुनिया के अलग अलग संस्कृति में ऐसा नहीं है, ये तो ये मॉरल बात नहीं है, ये कल्चरल बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तो ये जो बात है, मैं कहीं जाके ऐसे नहीं बोलता हूं कि आप सिर मत सिर पर कपड़ा आप यूज करते हैं करिए, परंतु बाइबल में लिखा है, ये बात बहुत जरूरी है। हम बाइबल से एक पद लेके कहीं से बोलिए बाइबल में लिखा है, तो बाइबल में हजारों चीज लिखा जो हमको पालन नहीं करना है। आज आखिरी में जो आपको स्लाइड दिखाऊंगा मैं बता रहा हूं, हमको बाइबल का पालन नहीं करना, हमको यीशु मसीह के पीछे जाना है। बाइबल हमको यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सहायता करेगी। तो सबसे पहले ये बात हमारे बीच में, हमारे सेम हमारे डिनोमिनेशन में, असेंबलीज ऑफ गॉड के चर्चेस में जो हजारों की तादाद में कई ऐसे कलीसिया हैं जहां पर ये परंपरा है, मैं तो कहता हूं आपको वो अच्छा लगता है आप वो कलीसिया में आप जरूर उसका इस्तेमाल करिए। और कई बार जैसे हो सकता है हमारे बीच में कई हैं जो हमारी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि हम स्त्री लोग अपना सिर ढाके, मैं कहता हूं बिल्कुल ढाकिए, परंतु ये ना कहे कि ये जो दूसरे जो विश्वासी है दुनिया भर में जो अपने सिर ढाक कर प्रार्थना या प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो सिर नहीं ढाके, तो ये नहीं कि वो बाइबल का अपमान कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। तो ये बाइबल को हमको जरूर याद रखना है, ये उनके लिए लिखी गई थी, उससे हम क्या सीखते हैं, तो ये बहुत जरूरी। अच्छा, दूसरी बात, आपने शायद गहने के बारे में कुछ कहा, मैं आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गहने के बारे में नए नियम में यदि दो पैसेज है, वाक्य है, तो एक तो पहला तिमुथियुस 2 उसके 9-11 और पहला पत्रस 3:3-6। आइए हम देखें इसके बारे में। ओके, पहला तिमुथियुस, आइए हम देखें कितना समय है, मैं जल्दी समय देखते रहूंगा। ओके, समय है। पहला तिमुथियुस उसके 2:9-11 हम पढ़ें। अच्छा, ये जो बातें हैं पौलुस किसको लिख रहा है, तिमुथियुस जो उसका असिस्टेंट है, उसका सहकर्मी है, इफिसस जो शहर में है, वो इफिसस शहर में है, और वहां उनको कुछ कुछ जो जो चीज कह रहा है वो। अच्छा, मैंने पहले ये अच्छा हाँ ठीक है, 9 वहां वैसे ही स्त्रियों भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अच्छा, आप देख रहे हैं यहां लिखा सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़े। हमारी कलीसिया में सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े कौन पहनते हैं? पैसे वाले स्त्री। यदि आप कोई गरीब लोग को कहें अच्छा हमारे चर्च में मोती और सोना पहनना अलाउड नहीं है, तो बोलेंगे क्या साहब हमारी मजाक कर रहे हैं क्या, मैंने मोती कभी पहना ही नहीं है, है कि नहीं। ये जो शब्द स्पेसिफिकली, ये कुछ वहां कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इफिसस शहर में और कलीसिया में, और ये प्रॉब्लम किस, ये मुश्किलात जो आ रही है वहां के कुछ अमीर स्त्रियों के द्वारा हो रहा है। तो पौलुस उनसे कहता है याद रखना, तुम अपने सोना मोती पहनकर अपने आप को दिखाते, तुमको याद रखना है कि तुम परमेश्वर को भक्ति करने वाली स्त्री को क्या करना है, भले कामों से अपने आप को सवारना है। अच्छा, तो ये पद जनरल सब स्त्रियों के लिए नहीं है कि स्त्री पहन कपड़ा नहीं, मतलब सोना या कोई गहने या कुछ भी नहीं पहन सकते। और याद रखना,
हमारे इस, मैं तो बोलता हूं संसार में शायद कोई ऐसा समुदाय नहीं है, ऐसा कल्चर नहीं है जहां स्त्री कुछ ना कुछ पहनते हैं, गहने हो सकता है, पुराने पुराने जो समुदाय हैं जंगल में रहने वाले वो भी कुछ पहनते हैं गहने टाइप। अच्छा अब देखिए हम पहला पत्रस 3:3-6 में क्या लिखा है। पहला पत्रस 3:3-6, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो फिर से आप ध्यान देख रहे हैं, तो मतलब जो अमीर स्त्री आकर ज्यादा अपने दिखावटे को दिखा रही है तो कहता है तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में क्या अनमोल है, मूल्य है वो दीनता और अंदरूनी जो ब्यूटी है, है? सुंदरता है। और फिर लिखा है पूर्व काल के पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती, जैसे सारा जो अब्राहम की पत्नी थी अब्राहम की आज्ञा में रहती। याद रखना ये सब पूरा करीब करीब 4000 साल पहले की बात है, अब्राहम सारा और उसे स्वामी कहती थी है? तो 4000 साल पहले ये उनका उनका समुदाय था, मेरी पत्नी मुझे स्वामी नहीं कहती है, चलो ठीक है। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो ऐसी बेटियां ठहराओगी। अच्छा यहां लिखा आपने पढ़ा ना सारा के बारे में, अच्छा मैंने वहां पर आपको रेफरेंस दिया है उत्पत्ति की पुस्तक 24 जो हमने कहानी सुना, वो कहानी में 53 में क्या लिखा है मालूम, जो एलियाजर जो दास है जब वो रिबेका को देखता है तो उसको बहुत सारे गहने देता है, गहने पहनाकर आता है तो वो गहने पहनकर इसाक से शादी की, मतलब सैरा की बहू गहने पहनती थी। अच्छा अब यशैया के मैंने आपको दो पद दिया, यशैया के 61:10 में और यिर्मयाह के 2:32 में, यदि आप ये जो पद को देखेंगे यहां परमेश्वर के लोग के बारे में कहा गया कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर खुद कहता है मैं उनको जैसे सज्जित करूंगा जैसे कि एक 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 दुल्हन है वो गहने पहनती है। तो गहने पहनना कहीं भी बाइबल में नेगेटिव नहीं लिया गया है। यदि कोई पुरानी नियम में कोई कहानी है कि वो गहने वो मूर्ति पूजा किसे मिला हुआ गहने के बारे में लिखा है, नहीं तो कहीं भी कोई एक गहने कोई स्त्री पहनने तो कहीं भी नेगेटिव नहीं दिया, कहीं भी बुरी तरह से नहीं लिया। अरे आपको मालूम है लूका के 15 के दृष्टांत में जब वो हम कहते हैं ना उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो पिताजी क्या करते हैं, उसके हाथ में एक अंगूठी डालता है और वो हमारे परमेश्वर पिता को दिखाते हैं। तो ये हमारे परंपरा में इंडिया में आ गई और केरला से आप कह रहे हैं, परंतु केरला में ये बात चालू नहीं हुई, ये बात अमेरिका से एक तरह के एक जो सिखावट आए मतलब सिखाना आए वहां से आया तो हमारे केरला में आए और वहां से अलग अलग, और सिर्फ केरला में नहीं तमिलनाडु में भी था और सीपीएम के बीच में था, और ये लोगों को थोड़ा सा दूसरों से अलग दिखाने के लिए कि हम प्रभु के लोग हैं, हम अलग हैं, लोग गहने पहनते हम नहीं पहनते क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे बाइबल के पद हैं। आप देख रहे हैं ये फोटो, दो भारतीय दुल्हन के फोटो देख रहे हैं, ठीक है ना। एक दुल्हन जो है उसने कुछ गहने पहने, ज्यादा गहने नहीं पहने, कुछ हमारे भारतीय शादी में बहुत गहने पहनते हैं कुछ लोग, क्योंकि उस समय हमारे संस्कृति में दिखाने के लिए हमारी बेटी को हम भेज रहे हैं इतना सारा सोना पूरा पहना देते हैं, लाद देते हैं पूरा सोना। ये दुल्हन है, मसीह दुल्हन है, ओके पहनी है कुछ
दूसरे साइड में एक और मसीह दुल्हन है, वो दूसरे परम परब से आती जहां पर गहना पहनना अलाउड नहीं, क्योंकि उनके अनुसार बाइबल में ऐसा लिखा है। तो मैं कहता हूं बाइबल में ज्यादा जो पद हैं जो गहने पहने के के विरोध नहीं है। यहां पर ये दो मैंने जो जगह दिखाया, पहला पत्रस और पहला तिमोथियस, गहने के विरोध नहीं है। ये बात शोभा क्या दिखाती है, सिर्फ इससे आपकी शोभा नहीं आती। कई बार मैंने ऐसे मसीही पेंटिकॉस्टल शादी अटेंड किया है जहां पर जो दुल्हन है एक भी गहने नहीं पहनी है, परंतु जो साड़ी है वो 1,00,000 की साड़ी है। तो हम समझ गए कि ये एक हमारे बीच में एक परंपरा है। मैं ऐसे परंपरा से झगड़ता नहीं हूं, परंतु मुझे मालूम है कि ये जो दुल्हन जो लेफ्ट में है थोड़ी गहने पहनी है, उसने कोई बाइबल के वाक्य का उल्लंघन नहीं किया है, ये भी मुझे मालूम है। आइए हमें एक और चीज के बारे में, बहुत ही जरूरी बात है, स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहना है। ऐसा सिर्फ दो आगे आगे अगेन पदी, ये जो पहला तिमोथियस का पद भी हम पहले देखेंगे और दूसरा पहला कुरिन्थियों उसके 14 और आइए हम उसको जल्दी से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 14 और 34 और 35, ठीक है। स्त्रियों कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, अच्छा, परंतु आधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है भी है। व्यवस्था में लिखा कहां पर? यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। अच्छा, क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? अच्छा, तो ये जो शब्द है, ऐसा लगता है कि स्त्री लोग बिल्कुल कलीसिया में बात नहीं कर सकते, परंतु सचमुच में क्या पौलुस के कलीसियाओं में स्त्री लोग बिल्कुल बात नहीं करते थे, सिर्फ घर में जाके अपने पति से बात करते थे? अच्छा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं पहला तिमोथियस और 2:11-12 में क्या लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है? पहली जो हमने आयत पढ़ी है वो कहां हो रहा है? कुरिंथ, यूनानी कुरिंथ शहर में। तिमोथियस कहां है? इफिसुस, एक और बड़े शहर में है, जहां पर मैंने आपको पहले के पद पढ़ाया, जहां पर कुछ जो पैसे वाली स्त्री हैं वो कलीसिया में अपने आप को, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो उनके समुदाय में अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो लोगों को कंट्रोल करके उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि आप पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतुस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कुछ गलत जो सिखाने वाले जो टीचर हैं, फॉल्स टीचर्स हैं, वो ऐसे कुछ अमीर विधवाओं के मन में वो काम करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो इफिसुस में और कोरिंथ में एक स्थानीय समस्या है, दिस इज अ लोकल प्रॉब्लम, परंतु ये एक छोटी सी समस्या नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल स्थानीय समस्या है। तो ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पौलुस कुछ कह रहा है, और पहला तिमोथियस में जो कह रहा है कि ऐसी स्त्री जब तक वो बैठ कर ना सीखे, क्योंकि वो अमीर है इसका मतलब नहीं कि वो दूसरों को सिखाने के तैयार है, उनको सीखना जरूरी है, नहीं तो वो गलत रास्ते में जाएगी। अच्छा, फिर पहला कुरिन्थियों 14, आइए हम कुछ आपको जो मैंने पद कुछ दिया है नीचे दिया है, ये सिर्फ एक पद यहां से लेकर हम पूरा अपना जिंदगी एक पद पर हम अपना जिंदगी को निचोड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहला कुरिन्थियों 11:5 वहां लिखा है, 11:5 वहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों, हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, परंतु जो स्त्री उधाड़े सिर, हमने अभी इसको पढ़ा था, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, अरे तो उसी पत्री में पौलुस जब उनको लिखता है 11वें अध्याय में उनसे क्या कहता है,
स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है, प्रार्थना भी कर सकती है, कहां पर? कलीसिया में, परंतु उनके संस्कृति के अनुसार उनका ओढ़ नहीं होना चाहिए बस। और स्त्री, अगर स्त्री चुप रहेगा तो कैसे प्रार्थना करेगी, कैसे भविष्यवाणी करेगी? तो हमको वो जो 14 अध्याय में जो बात है उसके बारे में फिर से सोचना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और मैं आज इसको पूरा समझा नहीं पाऊंगा, उसमें काफी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिल प्रॉब्लम। परंतु मैं आपको दूसरे बहुत सारे पद और दिखा सकता हूं, जल्दी से आप देखें। एक रोमियो के अंत में, एक जल्दी से आपको दिखाता हूं, वहां पर रोमियो 16:1 में, ये पूरी जो पत्री है रोमियो, कितनी बड़ी पत्री पौलुस ने किसके हाथ में भेजी मालूम? मैं तुमसे फीबी के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं। सेविका का मतलब नहीं वो खाना पकाती थी घर में सबके लिए, सेविका जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया है, वहां की लीडर है वो। आप कैसे बिना मुंह खोले कैसे लीडर बनोगे? तो आप यहां देख रहे हैं, और मेरा विश्वास है जब ये पत्री पौलुस ने भेजा, जो उसको पढ़ी होगी वो शायद फीबे ने खुद पढ़ी होगी। अच्छा देखें फिर तीसरे वाक्य में, प्रिस्का और अक्विला, आप देखें वो प्रिस्का पत्नी है, अक्विला आदमी है, किसका नाम पहले आया? ये नए नियम में 6 बार प्रिस्का अक्विला का नाम गया, 6 बार, उनमें से 6 बार 4 बार स्त्री का नाम पहले आता है। उसका मतलब ये जो स्त्री है ये लीडर है। आप प्रेतुका में पाएंगे, ये जो स्त्री है उसने अपोलोस को सिखाया। अच्छा छठवें आयत में, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार मरियम, एक और अगुए है। अंद्रोनिकस और यूनियास, यहां पर हिंदी में एक प्रॉब्लम है, यहां पर यूनियास लिखा ऐसे लगता है कि यह व्यक्ति आदमी है, परंतु बहुत सारे अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन है उसमें जूनिया लिखा है। ये भी एक कपल है, जैसे कि प्रिस्का और अक्विला आपने पढ़ा, ये भी अंद्रोनिकस पति और पत्नी है, अंद्रोनिकस पति है और यूनिया एक स्त्री है। वहां कहता जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए और प्रेरितों में नामी है। एक इसका इसकी व्याख्या करें तो प्रेरितों में से है, तो एक जूनिया करके स्त्री प्रेरितों में से है। आगे पढ़ें 12वें आयत में, त्रुफेना और त्रुफोसा जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रभु में क्या परिश्रम करती हैं? सिर्फ प्रार्थना करती है घर में अकेले बैठकर? नहीं, ये लीडर है। प्रिय पिर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, ये जो शब्द है परिश्रम किया, ये सेवकाई के बारे में है, प्रचार के बारे में है, अलग अलग जगह जाके प्रचार करने के बारे में लिखा। अच्छा फिर 13, रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, मतलब रूफस की माता पौलुस की माता के जैसी थी। आगे पढ़िए 15, फिलुलुगस और यूलिया एक और स्त्री और नेरियुस और उसकी बहन और अलग लोगों को, पवित्र लोगों को। आहा, फिर फिलिपियों की पत्री 4:2 में, फिलिपियों की पत्री वहां पर 4:2-3 में, मैं यूदिया और भी को भी समझाता हूं और सुंतके को भी, दो स्त्रियों के बारे में, कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सरकर्मी, शायद लूका को कह रहा है, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू इन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में। तो मैं कहता हूं पूरे पौलुस के पूरे पत्री पढ़ने से पता लगता है कि पौलुस के बहुत सहकर्मी स्त्री लोग थे और वो प्रचार करते थे। तो कहीं भी ये जो दो पद को लेकर हम उन पर अड़े रहें तो शायद हम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं।
मैं जो डिनोमिनेशन में हूँ असेंबली ऑफ गॉड में, असेंबली ऑफ गॉड के उनके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में यदि आप जाएंगे ag.org, उसमें जाएंगे पोजीशन पेपर लिखा है, वहां पर बहुत क्लियरली लिखा है कि असेंबली ऑफ गॉड स्त्रियों का ऑर्डिनेशन करते हैं पास्टर जैसे. नाउ हमारे कई जगहों में शायद प्रैक्टिस नहीं हो, तो श्रीलंका में वहां गया, वहां पर सीनियर पास्टर स्त्री हैं, प्रेस्बिटर स्त्री हैं. और कुछ साल पहले असेंबलीज ऑफ गॉड AGNI में कलकत्ता में 15 स्त्रियों को ऑर्डिनेशन मिला. तो हमको ये दो जो 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 पैसेज है, पहला कुरिन्थियों 14 और पहला, तो उसको फिर से समझना चाहिए कि जरूरत है. अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं. हमने जो बातों के बारे में वार्तालाप किया और हमारे बीच में ये दूरियां जैसे है, हमको हमारे बीच में दूरी लगाती है. कोई लोग कहते हैं नहीं, हमारे चर्च में तुम आओ तो ऐसा करना पड़ेगा, तो शायद आपको वो चर्च में जाना है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. परंतु ये बात याद रखिए, हर चीज का एक जैसा महत्व नहीं है. हमको हमारे जैसे मैंने वो चित्र बनाया है, हम सबसे बीच वाला जो गोला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रखना है. मैंने करीब 30 साल से ज्यादा मेरी शादी हुई है, मैं और मेरे पत्नी के बीच में हम हर एक बात में सहमत नहीं हैं, परंतु सबसे जो मुख्य बात है उस पर सहमत होना जरूरी है. तो हमारे बीच में बहुत सारी बातें हैं, हम उस पर यदि हम अड़े रहें तो हमारे बीच में और भी टूट आ सकती है. तो ये जो अलग बातें जो मैंने बात किया, ये हमारे सेंट्रल बात नहीं. मुख्य बात क्या है कि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जिया और उसकी बातें हमने सीखा और क्रूस पे मरे और जी उठे और पवित्र आत्मा को उन्होंने भेजा. ये जो मुख्य बातें हमें, उसमें हमको सबको सहमत होना जरूरी है. उसके बाद अलग अलग बातों में हम सहमत शायद ना हो, ठीक है. भाई भाई में हम बीच में एक सहमत नहीं होते हैं, पति पत्नी के बीच में हम सब बातों में सहमत नहीं होते हैं. तो ये बहुत बहुत जरूरी है. अब आखिरी में ये जो दिखाना चाहता हूं आज के लिए, कि हम परमेश्वर के जीवित वचन यीशु की आराधना और अनुसरण करते हैं. यीशु मसीह जीवित वचन है. और अंग्रेजी में मैं जब यीशु मसीह के बारे में कहता हूं, जैसे आप यूहन्ना 1:1 में लिखा है, कैपिटल बड़ी W से लिखता हूं उनको, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है. बाइबल भी परमेश्वर का वचन है, परंतु मैं उसको छोटे W से लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह जो वचन है, बाइबल है, उनको एक दर्जे में नहीं रखना चाहता हूं. बाइबल हमें यीशु मसीह के पीछे करने की मदद करती है. हमको बाइबल फॉलो नहीं करना, एक तरह से देखा जाए तो हमको यीशु मसीह को फॉलो करना है. बाइबल यीशु मसीह. कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हम क्या पिता पुत्र पवित्र बाइबल. नहीं 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 नहीं, वो सेम लेवल पे नहीं है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है. बाइबल यहां पर है. बाइबल्स पढ़कर हमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पीछे जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है. मैं आपको एक और वर्स दिखाकर मैं बंद करता हूं, कुछ समय भी हो गया है. योहन्ना की पुस्तक, योहन्ना के सुसमाचार, योहन्ना पांच और 29, योहन्ना 5:29 वहां लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो. मतलब वहां पर प्रभु पौलुस जब ये योहन्ना जब कह रहा है, उस समय नया नियम नहीं लिखा है, याद रखना, नया नियम नहीं है यहाँ पर, पुराना नियम. पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन तुम्हें मिलता है. तुम सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र पुराने नियम में आनंद जीवन मिलेगा, और वह यह वही है जो मेरी गवाही देता है. ये पूरे जो पवित्र शास्त्र है नया नियम मिलाकर प्रभु यीशु मसीह को गवाही देता है और कहता है, और वह वही है जो मेरी गवाही देता है. 40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. जीवन कहां है? प्रभु यीशु मसीह में.
बाइबल को बाइबल के स्तर में रखना जरूरी है, यीशु मसीह को यीशु मसीह के स्तर में रखना जरूरी है। हमको जो जीवन मिलता है यीशु मसीह से मिलता है। आप जितना भी बाइबल समझ ले, यदि आप यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, उनके पीछे नहीं चलेंगे, तो आपको जीवन नहीं मिलेगा। कई बार मैं ऐसे पाता हूं, कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास भी कुछ लोग आए, बहुत प्रश्न करने आए, परंतु यीशु मसीह को पीछा करने नहीं आए। वो हमको पहले यीशु मसीह का पीछा करना है, उसके बाद बाइबल समझना है। और जब हम बाइबल समझ के क्यों समझ रहे हैं कि हम यीशु मसीह का पीछा पूरी तरह से करें। आज हमारा समय खत्म हो गया है, परंतु आपके जो प्रश्न जो हैं वो इकट्ठा किए जाएंगे और हम कल फिर मिलेंगे प्रभु की इच्छा हो तो। और आपके बहुत सारे प्रश्नों का हम संग्रह करके उनको मिला मुलो के जितना हम कल उसका उत्तर दे सकेंगे हम कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, खास तौर से जेकब चिरिन सर का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस खूबसूरत जो हमें एक्सप्लेनेशन दिया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने प्रश्नों को जो नंबर दिया गया है उसमें आप जरूर भेजें, और हम सारे प्रश्नों को मिलाकर उन सारे प्रश्नों से जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आपके सामने जरूर रखेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, प्रभु का अनुग्रह आप पर रहने पाए। गुड नाइट, कल वापस से हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। प्रभु का बहुत आशीष आपके जीवन में रहने पाए। बाइबल को पढ़ते रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, और जैसे सर ने हमें बताया यीशु के पास आए। प्रभु आपको आशीष दें। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह सर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। राजू बात करो एक बार, वो काल आवाज के लिए। जय मसीह। जय मसीह। पास्टर जी।